Hey guys, welcome to my channel The Beauty Blush 5 and how are you all? I hope aap sab good honge, acche honge. तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं एक वन ब्रांड ट्यूटोरियल मेकअप शेयर करने वाली हूँ जो कि है ब्लू हेवन का. इस वीडियो को ना मैं काफ़ी टाइम से करना चाहती थी. मुझे एक वन ब्रांड ट्यूटोरियल करना था जो कि ब्लू हेवन का था. ब्लू हेवन के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी. तो फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ. सो गाइस, मेकअप को शुरू करने से पहले मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है जो कि थ्री स्टेप वाला होता है. टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड जो वॉश होता है वो मैंने कर लिया है. उसके बाद मैंने अपने स्किन पर यूज़ किया है ये प्राइमर जो कि ब्लू हेवन का मास्टर फिनिश प्राइमर है. गाइस, ये प्राइमर मुझे बहुत ही अच्छा लगा. जब इस प्राइमर को मैं अपने स्किन पर यूज़ कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही एक अच्छे ब्रांड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. इसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा प्लम, सॉफ्ट एंड बिल्कुल नरिश कर दिया था. मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ, प्राइमर इसका बहुत ही कमाल का है. हम सबको यूज़ करना चाहिए प्राइमर एक बार ये वाला. एंड सेकंड गाइस, मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है जो कि ब्लू हेवन का ये लाइट वेट फाउंडेशन है. सो गाइस, इस फाउंडेशन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती आपको ज़्यादा, बिकॉज ये फाउंडेशन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा. जब भी मैं, हाँ, लाइट वेट बहुत है, रेगुलर यूज़ करने के लिए ये ठीक है. घर में किसी ने अपने घर पे बैठ के अपना फेस को अगर कुछ अच्छा दिखाना है, कुछ लगाया वाला फीलिंग लेना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है. इसको आपने पहले डैम कर लेना है, इसको स्क्वीज़ करके फिर अपने स्किन पर आपको यूज़ करना है फाउंडेशन के ऊपर. सो गाइज, इसको मैं फाउंडेशन को ऐसे ब्लेंड कर रही थी तो ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है प्लस वाटरी है. ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जा रहा था जो कि एक अच्छी बात है. बट इसकी कवरेज जोन सी है वो बहुत ज़्यादा मीडियम से भी लो है. हम इसको मीडियम कवरेज भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल लो वाली क्वालिटी है इस फाउंडेशन की. सो इसके लिए तो मेरा थम्स डाउन है, बिल्कुल ये मुझे फाउंडेशन नहीं अच्छा लगा. उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके कंजीलर की, तो ये 201 शेड था मेरा कंजीलर का. गाइज, ये कंजीलर भी किसी काम का नहीं है मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट नो ये क्या काम कर रहा है, बट नहीं अच्छा लगा मेरे को ये कंजीलर भी. मेरी स्किन पर ना तो इसने कुछ कंसील किया, ना तो इसने मेरे को कुछ हाइड किया है. नथिंग गाइज, यूज़लेस प्रोडक्ट है ये वाला भी. ये भी कंजीलर मुझे नहीं अच्छा लगा, इतना खास नहीं अच्छा लगा. हाँ, जो बिगिनर्स हैं वो इसको एज अ मेकअप सीखने के लिए ट्राई कर सकते हैं, लाइक मी, मैं भी एक बिगिनर ही हूँ. बट येस, फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगा. ये शेड भी मेरे ख्याल से मैंने गलत चूज़ किया है अपने लिए. बट इसकी जो क्वालिटी है, जो इसका कवरेज है, वो भी बिल्कुल डाउन है. इसके लिए भी मेरा थम्स डाउन है. मैं किसी को भी ये परचेज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी, बिकॉज इसको मैं ब्लेंड तो बहुत अच्छे से हो रहे थे ये सारे प्रोडक्ट्स, बट गाइज वही है ना, कवरेज इसकी बिल्कुल लो है. अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लगाया है ये लूज़ पाउडर. ये वाला बड़ा सही है यार, लूज़ पाउडर मैंने यूज़ करा इसको, बहुत अच्छा है. ये जैसे शुगर का होता है ना, मैं जैसे शुगर का यूज़ करती हूँ, बट ये उसके जैसा ही लगा मुझे. काफ़ी सही लगा ये वाला प्रोडक्ट मुझे, बिल्कुल येलो टोन में है. मतलब आपको लग बनाना पाउडर वाली फिनिश देता है ये स्किन पर, और बहुत ही ज़्यादा कमाल का बड़ा. इसने काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को बेक कर दिया था जो भी मैं सोची थी. अब गाइज, मैंने ये जो उनसा है ना अपनी आँखों के जो ऊपर लगाया था पाउडर और कंजीलर, इससे मैंने डस्ट ऑफ कर लिया है सो दैट कि मैं अपना जो आई मेकअप है वो फर्दर आगे कर सकूँ. सो गाइज, अपने इसका हिलेरियस आपको बात बताने वाली हूँ. ये जो पैलेट है ना इसका, ये है ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट. गाइज, ये 12x पैलेट है. बट गाइज, इसको यूज़ करने में मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं काफ़ी स्ट्रगलिंग कर रही थी इसके लिए लगाने के लिए कि यार कहीं से तो कलर आए. इसमें से मैंने लाइट वार्म शेड उठाया ये ब्राउन कलर का, और मैंने इसको अपनी आँखों पर यूज़ करा. ये तो चलो हल्का सा फिर भी ठीक था, पिगमेंटेड था ये वाला, लग गया. काफ़ी जद्दोजहद 2-3 बारी मैंने इसको ले लेके अपनी आँखों पर एक क्रीज लाइन क्रिएट करी, जो कि मुझे मेरे ख्याल से 15 मिनट लग गए इस क्रीज लाइन को बनाने में, इस क्रीज लाइन को ड्रॉ करने में. सो गाइज, इसको मैंने एज ए क्रीज लाइन में ड्रॉ तो कर लिया, इस सेकेंड आइज़ में भी मैंने ऐसे ही करा जो अपनी दूसरी वाली आँख में थी, मैंने बना ली क्रीज लाइन. लेकिन जो उसके बाद हुआ ना भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकती. बिल्कुल बेटे, बड़ा गंदे वाला प्रोडक्ट है ये, कोई भी यूज़ मत करना इसको. अब मैंने जो गोल्डन शेड है ना भैया, ये दिख रहा है कि हाँ पता नहीं लगाते ही चटक हो जाएगा, बिल्कुल गलत. इसको मैं काफ़ी स्ट्रगलिंग करी है कि थोड़ा सा तो कलर दिखे भाई, थोड़ा सा तो कलर दिखे अपनी आँखों पर, नहीं बिल्कुल भी कलर शो ही नहीं कर रहा था. बिल्कुल थम्स डाउन है इस प्रोडक्ट के लिए मेरे. मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी कि ये लगे लगे लगे, बट एग्जैक्टली मुझे कोई भी शेड नहीं मिल रहा था अपनी आँखों पर. इफेक्ट ही नहीं है यार कि कुछ शेडो लगाया है.
मैंने तीन बार रगड़ा, फिर मैंने सोचा कि ब्रश से नहीं लगने वाला है इसको, उंगली से मैंने ना अपनी फिंगर से मैंने इसको लगाया लगाया लगाया। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करी है यार मैंने इसको लगाने पर सीरियसली बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, इसमें बिल्कुल कलर ही नहीं आ रहा था। जितना मर्जी मैंने इसको रगड़ा लेकिन नहीं आया, कलर ही नहीं आया, इफेक्ट ही नहीं आया भाई साहब। अब जो बाकी पाउडर है वो मैंने डस्ट ऑफ कर लिया अपनी स्किन से। हाँ, ये पाउडर की मैं तारीफ़ करती हूँ, ये पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये जो आई शेडो लिया था मैंने, इसमें से ये लिक्विड ग्लिटर वाला आई शेडो था ये, उससे मैंने काम चलाया। भैया कुछ तो दिखे आँखों पर, कुछ तो ऐसा लगे कि हाँ मैंने लगाया है। मैंने क्या करा, इसमें से कुछ प्रोडक्ट लिया बैक हैंड पे अपने, फिर उसमें से हल्का सा ग्लिटर लेके अपने आँखों पर चिपकाया, कुछ तो दिखे कि हाँ आँखों पर कुछ तो मेकअप हुआ है गाइस। लेकिन इसका जो आई शेडो पैलेट है ना भाई, कोई मत खरीदना, मैं तो ये कहती हूँ, अपने पैसे वेस्ट मत करना। जितने का भी 80-90 रुपये का भी है फिर भी उसको भी मत वेस्ट करना, बिल्कुल क्वालिटी उसकी बेकार है। हाँ, इससे मेरी आंखों में थोड़ी सी शाइन आ गई, जिससे लग रहा था कि कुछ लगाया है मैंने। उसके बाद फिर वही ब्राउन सा शेड लेके मैंने अपनी आंखों में हल्की सी क्रीज लाइन फिर से ड्रॉ कर दी, कि आंखें थोड़ी मेरी लगे कि हाँ कुछ मेकअप हुआ है इस आंख में। बट मुझे बिल्कुल भी, खुद पर हंसी आ रही थी इस प्रोडक्ट को देख के, भाई साहब तो लग ही नहीं रहा, जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं जा रहा था ये। हाँ गाइज, अब मैं इसका काजल लगाती हूँ, ये ब्लू हेवन का काजल है। बट सही में गाइज, बहुत ही ब्रिलियंट वाला आईब्रो, सॉरी ये तो आईब्रो पेंसिल है। सो गाइज, ये सॉरी आईब्रो पेंसिल था ये। चलो फिर, आईब्रो पेंसिल तो मैंने लगा लिया, इसकी आईब्रो पेंसिल भी बहुत अच्छी है गाइज। इसके पीछे आपको एक स्पूली भी मिलता है जिससे आप अपने आईब्रो को कॉम कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड ब्राउन का था और ये अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं गाइज इसके काजल की। तो इसका काजल जो है वो टूट भी गया वैसे यूज़ करते हुए, तो गलती है, कौन रगड़ता है भाई ऐसे काजल को, पागल है पिंकी तू। कोई बात नहीं, काफ़ी डार्क काजल है, जेट ब्लैक काजल है और मुझे लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। मैंने अब तक लगा रखा है तो कि मुझे सही लगा ये काजल, अच्छा है और काफ़ी ब्लैक है ये काजल, जो कि बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका काजल, काबिले तारीफ़, मुझे बहुत अच्छा लगा काजल। चलो कुछ तो पैसे वसूल हुए प्रोडक्ट के, जो भी मैंने ब्लू हेवन के मंगाया, मुझे काजल अच्छा लगा इसका। अब खोलते हैं इसके लाइनर को, जो कि ब्लू हेवन का ही लाइनर है गाइज। ये तो मैंने पहले यूज़ किया है, सच बताना ये पहले किस किस ने यूज़ किया है, बिकॉज़ ये वन ऑफ द वेरी फर्स्ट लाइनर ऑफ माय लाइफ। ये जब मैंने लाइनर लगाना शुरू किया था ना, ये पहला लाइनर था जो मैंने यूज़ करा था, और ये मुझे लाइनर बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी ब्लैक है और काफ़ी अच्छा है ये लगाने पर, और वन स्ट्रोक लग जाता है इसमें, कोई आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती लगाने में। बहुत ही ज़्यादा वाला सही वाला लाइनर है ये, आप मस्ट बाय। लैक्मे के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा तो ये वाला लाइनर अच्छा लगता है। पहले मुझे ये अच्छा लगा था, फिर मुझे लैक्मे का अच्छा लगा था। अब गाइज यूज़ करते हैं इसका मस्कारा, और गाइज जैसे मैंने इसको ओपन आउट किया मस्कारे को, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया कि मेरी बैक हैंड पर लगे ये, बट नहीं लगा, लेकिन मैं गलत थी गाइस। यस, जब मैंने इसको अपनी लैशेस पर लगाना शुरू किया तो बहुत ही सही मस्कारा है, इसको यूज़ कर लेना। जो भी पॉकेट फ्रेंडली मस्कारा की सर्च में है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, ये बहुत ही ज़्यादा सही वाला मस्कारा है। सो गाइस, फिर से मैंने उसी को अपना अपना वो लाइनर, अपना शेड जो भी आई शेडो निकाला ग्लिटर वाला, उसको इनर कॉर्नर में लगाया, क्योंकि मुझे आई शेडो से इसके कोई लेना देना नहीं था, मुझे पता था कि उसने लगना ही नहीं है। उसके बाद जो मैंने अपने आईब्रो के नीचे हल्की हल्की शाइन देने के लिए इसी वाले शिमर वाले आई शेडो को यूज़ करा, ग्लिटर जो भी आई शेडो था मेरा लिक्विड वाला, उसी को मैंने यूज़ करा, जिससे हल्का सा एक मेरे आईब्रो को टोन मिल गया, प्लस मेरी जो आईज़ हैं वो थोड़ी सी अच्छी लगने लगी थी, जो कि मुझे मेकअप फिर भी नहीं दिख रहा था कि मेकअप कुछ हुआ। अगेन गाइज, मैंने इसका ब्लशर तो लिया था, पता नहीं मैं रख के भूल चुकी हूँ वो मैंने कहाँ रखा है। तो फिर से मैंने वही आईशैडो पैलेट निकाला, उसमें से हल्का सा जो पिंक शेड था उसको मैंने उठाकर अपनी मुझे पता था कि ये ज़्यादा नहीं लगता, तो एज अ ब्लश ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो चलो कुछ तो काम आया ये पैलेट। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर लिया है, ये वाला मेकअप फिक्सर भी भैया बहुत बढ़िया 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 काम कर रहा है, ये भी अच्छा है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने एक हल्का हल्का सा अपने आप को, जो मेरी जो स्किन थी, जो मेरा मेकअप था, उसको मैंने डैप इन कर लिया है, अपनी स्किन के हमने इनटू कर लिया है। सो गाइस, इसके बाद जो बारी आती है वो आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए जो शेड है ये मैंने, मेरे ख्याल से डार्क ब्राउन शेड था ये मेरा, और ये लिपस्टिक भी बड़ी सही है यार, ये लिपस्टिक हर कोई ट्राई करना है, जो बाकी जो है ना बड़ा सही है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको इसकी परचेज़ लिंक, कि आपको इसके कहाँ से ख़रीदना है ये सब, मैंने पर्पल से लिया था, मैं आपको उसका ऐप भी दे दूंगी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और आप ये प्रोडक्ट वहाँ से डायरेक्टली मंगवा भी सकते हैं गाइस। ये लिपस्टिक मस्ट बाय है, आप सब इसको यूज़ करके देखना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ गाइज, अगेन मैं कंटूर करना भूल गई थी अपने स्किन को, फिर इसका कोई कंटूरिंग पैलेट तो था नहीं, ना ही कोई स्टिक थी, तो मैंने क्या करा, इसी वाले ब्राउन लिपस्टिक से हल्का सा नोज़ को और अपने अपने जो चेहरे को हल्का सा मैंने
एक शेप दे दी है, तो फिर मैंने हल्का सा इसको कर लिया है, अपने जुगाड़ू जो होते हैं ना, इंडियंस आर जुगाड़ू यार वेरी मच, तो मैंने कर दिया इसको सेटअप अपनी तरफ से, जो भी मैंने करना था मैंने सब घाला माला कर दिया। सो गाइज, ये मैंने मेकअप लुक अपना कंप्लीट कर लिया है, फाइनल लुक मैंने दे दी, दिखा दिया है आपको। अब हल्की सी मैंने लगा ली है बिंदी, इसमें हाइलाइटर भी मुझे अवेलेबल नहीं मिला, मैंने ख़रीदा नहीं या फिर मुझे मिला नहीं या फिर है नहीं, मुझे नहीं पता। बट गाइज, मैंने उसी वाले, आप बोलोगे मल्टी टास्क था भाई, मल्टी यूज था वो लिक्विड वाला आई शेडो जो भी था इसमें गोल्डन कलर का। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया है। वन ब्रांड ट्यूटोरियल मेकअप था ये, जो कि था कि ब्लू हेवन का, और गाइज काफ़ी मीडियम टू लो कवरेज फाउंडेशन है इसका, और मेकअप भी आप नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लोगे आप इससे, बिकॉज इसके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है अभी। हाँ, इसका काजल बहुत अच्छा है, मस्कारा बहुत अच्छा है, और प्लस इसकी लिपस्टिक भी ऑसम है। और सबसे घटिया तो मुझे इसका ना आई शेडो पैलेट लगा, जो कि मैं यूज़ कर रही थी इसमें, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विच वन इज दिस, ये मुझे नहीं पसंद आया। इसको जितना मर्जी मैं इसको आप इसको वीडियो में देखोगे, मैं इसको फिंगर से रगड़ के लगाने की ट्राई कर रही थी, बट एग्जैक्टली मुझे कोई भी इसका यू नो कलर इफेक्ट्स नहीं दिखा अपने आईज पर। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट्स काफ़ी मीडियम हैं, आप इनको अगर आप किसी मैरिज में जा रहे हैं या फंक्शन में जा रहे हैं तो नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, जो लोग इसको डेली यूज़ करना पसंद करते हैं, जो लोग मेकअप यूज़ करना पसंद करते हैं डेली वेज में, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपको घर पर रहने के लिए मीडियम टू हाई कवरेज, मीडियम टू लो कवरेज बिल्कुल अच्छा है, एक आपको मेकअप देगा अपने फेस पर। तो गाइज, मुझे बताना कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये वन ब्रांड ट्यूटोरियल किया जो मैंने, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, या जो मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।